ओके गाइस, तो आपने देखा यहाँ पे कितना प्यारा बूट एनिमेशन था, साइबर पंक एडिशन। और ये दरअसल पोर्ट है ऑक्सीजन OS 10 का, जो कि OnePlus 5T से लिया गया है। और मैं अपने ZenFone Max Pro M1 पे इसको इंस्टॉल किया है और इसको ट्राई कर रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से। और अभी आप देख सकते हो तो किस तरह का यहाँ पे इंटरफेस है। ये दरअसल मैंने यहाँ पे आइकन पैक लगाया हुआ है, तो यस, आपको आइकन पैक का सपोर्ट भी इस रोम के अंदर देखने को मिल जाता है। और फिलहाल चलते हैं इसके डिफॉल्ट आइकन पे, जो कि हमें इस रोम के साथ में बाई डिफॉल्ट मिलते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर आइडिया लग सके। तो कुछ इस तरह के यहाँ पे हमें आइकन्स देखने को मिलते हैं, जो कि मुझे ठीक ठाक लगा, लेकिन इतना ज़्यादा खास मुझे नहीं लगा, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ राउंड शेप में आती हैं, कुछ उसी अपने ओरिजिनल डिज़ाइन में आती हैं, तो वो मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने आइकन पैक यहाँ पे यूज़ किया था। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे हमें क्विक टॉगल्स किस तरह के मिलते हैं वो आप देख सकते हैं। एंड सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा OnePlus वाली जो फील होती है वो हमें अपने डिवाइस में मिलती है। नीचे आप देख सकते हैं अबाउट फोन में, और अबाउट सेक्शन आप देख सकते हो इसी फ़ोन पे इस रोम का। तो यहाँ पे आपको प्रोसेसर और मेरा वेरिएंट वगैरह सबकी जानकारी मिल जाती है। साथ ही डिवाइस नेम आप देख सकते हो, जिसका ये पोर्ट है और हमारे डिवाइस के लिए बनाया गया है, वो है OnePlus 5T। एंड्रॉइड वर्जन 10 आपको इसके साथ में देखने को मिलता है। इसके अलावा आप स्टेटस सेक्शन में चलते हैं और यहाँ देख सकते हैं कर्नल वर्जन। तो AOSP है, यहाँ पे हमें डिफॉल्ट कर्नल मिलता है, जो कि ठीक ठाक काम करता है, मुझे कोई ऐसी खास पर्सनल इससे शिकायत नहीं है। और वहीं आप देखें एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल 1 सितंबर का मिलता है, वो इसलिए है क्योंकि इस रोम का कोई रेगुलर डेवलपर नहीं है जो इसको हर महीने सिक्योरिटी पैच से अपडेट करता रहे, और इसी की वजह से हमें थोड़ा सा पुराना मिलता है, लेकिन कोई इशू मुझे इसकी वजह से भी यहाँ पे देखने को नहीं मिला। और अब बाकी की चीज़ें देख लेते हैं, रोम पे कैसी काम करती हैं, कैसी नहीं करती हैं। और हाँ गाइज, ये वीडियो मैं दरअसल दो हिस्सों में बना रहा हूँ। एक में तो आपको रोम के अंदर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है, वो बताने जा रहा हूँ, जो कि ये वीडियो होने वाला है। इसी के अलावा इस OnePlus 5 की जो हमारी पोर्ट है ऑक्सीजन OS 10, इसके अंदर क्या फीचर्स हैं, क्या सेटिंग्स हैं, उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। दोनों अगर एक साथ बनाने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग शायद देखना भी पसंद ना करोगे, तो अलग वीडियो है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो वीडियो आप देख सकते हो, आई बटन में मैं वो वीडियो भी मेंशन कर दूंगा। प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन की बात करें तो यहां आप स्टेटस देख सकते हैं, डिवाइस प्ले प्रोटेक्ट यानी कि डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड। तो भाई हाँ, बैड न्यूज है, यहां पे सर्टिफिकेशन आपको नहीं मिलता। एंड मैं जिसके थ्रू मैंने ट्राई किया था, लेकिन जो भी मेथड मैंने इस पे ट्राई किए वो शायद पूरे नहीं थे, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, जो कि मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट वाली बात लगी। और सेफ्टी नेट टेस्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट्स आपके सामने हैं। आप देख सकते हो बेसिक इंटीग्रिटी आपको मिल जाता है, यानी कि जो कुछ ऐप्स के साथ में आपकी रूट डिटेक्ट की प्रॉब्लम होती थी वो नहीं आएगी, लेकिन हाँ सिर्फ कुछ के साथ में, बाकी ऐप्स के साथ में आपको ये प्रॉब्लम फिर भी फेस करने को मिलेगी। CTS प्रोफाइल मैच आपका फेल आता है, यानी कि वही जो हमारा प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन था वो। तो आई एम सॉरी गाइज, मैं इस चीज़ को फिक्स नहीं कर सका, दरअसल मैंने ट्राई किया था लेकिन नहीं हो पाया। एंड मे बी आपको भी इसी तरह से इसके साथ में काम चलाना पड़ेगा। और बाकी जैसा मैंने पेमेंट्स ऐप का बताया, तो पेमेंट ऐप्स में कुछ यहाँ पे यूज़ कर पा रहा हूँ, कुछ यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं होगा, काफ़ी हद तक हो जाएगा, और कुछ एप्लीकेशन में आपको इशू भी आने वाला है, 50-50 दोनों चीज़ें रहेंगी, लेकिन आप यहाँ पे ऐप्स यूज़ कर सकते हो, सब नहीं लेकिन कुछ। DRM इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सिक्योरिटी लेवल L3 का मिलता है, विच मीन्स आप SD कॉन्टेंट ही ब्राउज कर सकते हो, HD नहीं ब्राउज कर सकते। अब पता नहीं यार ऐसा क्यों होता है, कुछ रोम्स में मे बी एक दो में तो मुझे मिला था L1 का, और L3 ही ज़्यादातर में देखने को मिलता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इतने कस्टमाइजेशन करते हैं, कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, सब अच्छा नहीं मिल सकता। कैमरा टू API की बात करें तो आप देख सकते हो रिजल्ट्स Level 3 सर्टिफिकेशन, जो अक्सर मुझे किसी भी रोम में या फिर स्टॉक रोम में या फिर बीटा में मिलता ही था, वो भी इसके साथ में मिलता है, विच मीन्स गूगल कैमरा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड कैमरा की बात करिए तो एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, इस पोर्ट के साथ में आपको कोई भी कैमरा ऐप नहीं मिलता, यानी कि इस रोम के अंदर आपको कैमरा की ऐप ही नहीं मिलती है, इसके साथ में आपको गूगल कैमरा इस्तेमाल करना होगा। एंड मैं इसमें पैरट का पोर्ट किया हुआ 7.6 GCam मोड इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि मैंने वीडियो भी किया हुआ है, वो वीडियो भी आप आई बटन से देख सकते हो, वहाँ आपको मिल जाएगा, और आप अपने डिवाइस पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे GCam इस्तेमाल कर रहा है, मैंने उसके साथ में काफ़ी कुछ चीज़ें टेस्ट की हैं, तो नो प्रॉब्लम। और रैम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अभी आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हो, टोटल 6 GB रैम है, जिसमें से सिर्फ 2.5 GB इस्तेमाल हो रही है। एंड ऐप्स में कितने इस्तेमाल कर रहा हूँ बैकग्राउंड में आप देख सकते हो, तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हो ज़्यादा कुछ खास ऐप्स नहीं है, 6 से 7 ऐप्स हैं एंड 2.5 GB रैम मैनेजमेंट है, तो मैं ना तो इसको बुरा कहूँगा ना मैं इसको बहुत ज़्यादा अच्छा कहूँगा, ठीक ठाक काम कर जाता है। और ये जो ऑक्सीजन OS है थोड़ा सा हैवी है, लगभग 2 GB की जो इसकी फाइल थी जो मैंने डाउनलोड की थी, तो उन चीज़ों पर भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है, और बिल्ट इन ऐप्स काफ़ी सारी होती हैं इनके अंदर, तो
ढाई जी भी मेरे ख्याल से बुरा नहीं है, लेकिन मैं इसको नॉर्मली कहना चाहूँगा, ज़्यादा इसकी तारीफ मैं नहीं करना चाहूँगा। और अब बात कर लेते हैं साउंड की। तो देखो भाई, साउंड मैं हर बार आपको सुनवाता हूँ और मेरे ख्याल से कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि मेरे माइक्रोफोन से हूबहू क्वालिटी तो वैसी जा ही नहीं सकती है। एडिटिंग के टाइम पर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, भाई की बात पर इतना तो भरोसा रखना कि सही बता रहूँगा। तो देखो, साउंड की क्वालिटी इसके अंदर आपको कैसी मिलती है, बहुत ज़बरदस्त मिलती है, अच्छी मिलती है। साउंड पहली बात तो हमें इसके अंदर काफ़ी हद तक लाउड देखने को मिल जाती है, बिल्कुल रियल जैसा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ 19-20 का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन साउंड आपको वाकई में काफ़ी अच्छी मिलती है। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि हाँ आप कोई कस्टम रोम यूज़ कर रहे हो, आपको काफ़ी अच्छा और काफ़ी क्लियर साउंड का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा इसी ऑक्सीजन OS 10 के पोर्ट में। और भाई कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो देखो सब चीज़ें काम करती हैं, कैसी कैसी करती हैं बता देता हूँ। पहले तो मोबाइल डेटा की बात करें, मोबाइल डेटा फैंटेस्टिक चलता है, मुझे किसी तरह का कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, यहाँ आप देख सकते हो उसमें बार की प्रॉब्लम हमेशा से रही है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं एयरटेल का सिम स्लॉट नंबर 1 में यूज़ करता हूँ, तो इसको मैं बाहर ले जाऊँ अंदर ले जाऊँ हमेशा ये इतने पे ही रखा रहता है। इसकी वजह से मुझे कोई इशू तो नहीं आता है, नेट भी मेरा ठीक चलता है और वॉइस क्वालिटी भी ठीक ठाक रहती है वॉल्टी पे। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक विजुअल इशू है जो देखने में कम लगता है, लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा बात करते हैं ब्लूटूथ वाईफाई हॉटस्पॉट की, तो सब अच्छे से काम करता है, मैंने सब टेस्ट किया है। और वाईफाई की बात करें तो भाई हाँ, इसके अंदर वाईफाई की स्ट्रेंथ भी अच्छी है। बाकी कस्टम रॉम्स में आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 2 ही बार आया करते थे, इस बार इसमें 3 आ रहे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली गुड, और काफ़ी मुझे पसंद भी आई है ये चीज़। इसी के अलावा बात करते हैं वॉल्टी कॉल की, तो वॉल्टी कॉल काफ़ी अच्छे से काम करती है, काफ़ी क्लियर और एकदम मतलब बेहतरीन सी साउंड मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिली है। लेकिन अगर प्रॉब्लम आई है तो वो है वाईफाई कॉलिंग के साथ में। वाईफाई से दूर जाने पे आपकी कॉल वॉल्टी पे स्विच हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ स्विच होने की वजह आपकी कॉल कट जाती है, और गौरव से मैं इस बारे में कई बार सुन भी चुका हूँ इधर उधर की, तो ठीक है। और हाँ भाई, अब की बार मुझे एक चीज़ तो देखने को मिली है, वो आपको बता देना चाहता हूँ, वो है बैटरी चार्जिंग टाइम। तो चार्जिंग टाइम मेरे ख्याल से बुरा नहीं है, मैं नोटिस इतना ज़्यादा नहीं करता हूँ, 3-3.5 घंटे में आई थिंक बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, रात को लगाता हूँ सुबह तक मुझे चार्ज मिलता है। लेकिन नोट करने वाली बात है इसका बैटरी बैकअप हाँ इसके अंदर मुझे इतना अच्छा नहीं मिलता है। मे बी इशू हो सकता है कर्नल का या फिर किसी और चीज़ का, मैंने कर्नल भी चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो स्क्रीन ऑन टाइम सिर्फ 5 घंटे का ही मिलता है। एंड यस, मैं इसकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, 5 घंटे के आसपास ही आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। अगर आप नॉर्मल यूसेज भी करते हो तभी भी, हैवी यूसेज करोगे तो मेरे ख्याल से और भी कम हो जाएगा। और एवरेज टाइम की बात करें तो यहाँ पे आपका स्क्रीन ऑफ 24, एवरेज टाइम 18 घंटे, जो कि मेरे ख्याल से कम है, लेकिन इतने सारे एप्स वगैरह होती है और थोड़ी सी हैवी ये कस्टम रोम है, तो भाई फर्क तो पड़ेगा। बाकी आप लोग अगर चाहो तो कस्टम ट्राई कर सकते हो कोई भी कर्नल इसके ऊपर, और आपकी परफॉर्मेंस उम्मीद है थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, लेकिन बैटरी बैकअप के मामले में मुझे ये रोम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड गेमिंग की बात करें तो हर बार मैं इतनी ज़्यादा गेमिंग करता नहीं था, लेकिन ये सबकी बार में काफ़ी ज़्यादा गेम्स यहाँ पे ट्राई किए हैं, मतलब कितने ज़्यादा भी नहीं, 3-4। यहाँ आप देख सकते हो ये डेड इफेक्ट करके गेम है, ये मैंने ट्राई किया, कॉल ऑफ ड्यूटी एंड इसके अलावा एस्पेल्ट 8। गेमिंग के मामले में रोम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो भी अच्छे हैं, मतलब आप गेमिंग कर रहे हो, इसके अलावा आप अपनी एक छोटी सी विंडो साइड में खोल सकते हो चैटिंग वगैरह के लिए, वहाँ पे आप चैट वगैरह भी कर सकते हो और गेम भी चला सकते हो, तो भाई गजब है। ऐसा जो फीचर था मुझे अब से पहले या तो मिला था MIUI के पोर्ट में या फिर मिला है ऑक्सीजन OS के पोर्ट में, तो डेफिनेटली इसके लिए तो एक थम्स अप बनता है और मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी भी लगी है। हीटिंग इशू की बात करें तो सर्दियां हैं भाई, फ़ोन हीट नहीं होते हैं आजकल, तो ये भी हीट नहीं होता है, थोड़ा सा फ्रेम ड्रॉप आपको गेम के दौरान कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह में पबजी वगैरह में शायद से देखने को मिल सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस ओवरऑल ठीक ठाक है। तो भाई ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने आपके साथ में शेयर की, क्या काम करता है क्या काम नहीं करता है, अच्छे से बुरे से फीचर्स बग जो भी थे। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर अभी भी कुछ बाकी रह गया तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मुझे जानकारी होगी जरूर बताऊंगा। मुझे फॉलो करना चाहते हो सोशल मीडिया पे फॉलो भी कर सकते हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, एंड मिलते हैं आने वाले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।